अक्टूबर से लेकर जो पदयात्रा करते हुए जो चांडिल विस्थापित जो लोग हैं वो एक्चुअली राजभवन की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, इनसे हम बातें करने कोशिश करेंगे, जानने कोशिश करेंगे हालांकि किस मकसद से वो चांडिल से सीधे राजभवन की तरफ रुख कर रहे हैं। जी हाँ, तमाम जो माताएं बहनें हैं वो लोग जा रहे हैं और साथ में विस्थापित मंच की तरफ से, यानी कि विस्थापित मंच जो चांडिल की तरफ से रखा गया है, बनाया गया है, वो लोग जा रहे हैं। हालांकि उन लोग का प्रयास विगत 50 वर्षों से ये लड़ा जा रहा है लेकिन आज तक उन लोग का वार्ता सफल नहीं हुआ है। जानने लायक ये बात होंगी, जब सरकार नेता मंत्री आते हैं तो उन लोग को बात जो मुद्दा उठाया जाता है इचागढ़ प्रखंड इचागढ़ की विधानसभा से वो होता है विस्थापन की, लेकिन जब बात होती है कि विस्थापन की जो बात सुनी जाएगी, लेकिन जब सुनने की बारी होती है, जब सरकार सत्ता पे आ जाता है लेकिन उस बात सुना नहीं जाता है, उसी को लेकर तमाम जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, माताएं हैं, जितने भी भाई दादा लोग हैं सब वो पदयात्रा करते हुए वो राजभवन के समीप पहुंच गए हैं। अब उनसे बातें करने कोशिश करते हैं क्या कुछ मुख्य मांगे हैं, और जो उन लोग उतना विस्थापित जो गाँव है वो लोग तमाम लोग पदयात्रा करते हुए पहुँच चुके हैं। वार्ता आगे करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से उन लोग जूझ रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है। हालांकि इसके पहले भी आंदोलन हुआ है लेकिन उस आंदोलन का कितना फीडबैक निकल पाया ये जानने का प्रयास करते हैं। तमाम चीज़ों के जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए, आगे फिर मिलाते हैं, क्या कुछ बातें होती है उसको रूबरू कराते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। आप भी फीडबैक देने का प्रयास करिए कि आखिरकार इन लोग का जो मांग है, आखिर इन लोग का जो लड़ाई है वो जायज है या नहीं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। सरकार को हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस जल जंगल और जमीन के मुद्दा को लेकर सरकार बना है, यहाँ के माँ माटी मानुष को मुद्दा रख के सरकार बनती है, लेकिन बाद में फिर वो लोग कहीं ना कहीं जाति और धर्म का मतलब शिकार बनाता है पब्लिक को। अभी भी जो मुद्दा इस तरह से आ रहा है कि दो जाति के बीच में लड़ा रहा है, इस तरह से कभी समाधान नहीं हो सकता है। आप लोग अगर समाधान करना चाहते हैं तो सीधा सदन में रखिए और हम लोग का मतलब जो भी विस्थापित का मुद्दा है उसका समाधान कीजिए तब, और अगर ऐसा काम करेंगे तो आप कभी नहीं हारिएगा। और इस तरह से अगर दीजिएगा कि इतना लाख रोजगार देंगे, इतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। अभी इलेक्शन का टाइम देखिएगा, और भी बहुत सारा मुद्दा आएगा, बहुत सारा वादा करेगा लेकिन कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को आज यहाँ से जाना पड़ रहा है, नहीं तो मतलब इस तरह का आज 40 साल का मुद्दा आज तक नहीं खींचता। ये लोग मुद्दा को बना के रखना चाहता है, मुद्दा को कभी ख़त्म नहीं करना चाहता है। यही कमजोरी है हम लोग का और पब्लिक भी शायद हम लोग मतलब उतना शिक्षित जागरूक नहीं है कि उसका मुकाबला कर पाए। कहीं ना कहीं वोट के समय वो दारू मुर्गा के चक्कर में फंस जाता है। तो दादा, जैसे कि आप 82-83 का जो बात कर रहे थे, यहाँ तो हर कोई सरकार और विस्थापितों का ही मुद्दा रखते हैं, और विस्थापित में ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर सबका एक ही कास्ट के हैं, बहुत सारा कास्ट के हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये सरकार बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि मुद्दा ही क्यों रख रहे हैं, ये जो सवाल आप बोल रहे हैं ये सही में मायने रखता है। लेकिन अगर मान लीजिए राजभवन के वहाँ समझ नहीं होगा तो क्या आपका धरना अनिश्चितकालीन पड़ सकता है या फिर अनिश्चितकालीन चलेगा? और ये सिर्फ इलेक्शन के नहीं, इलेक्शन के बाद भी चल सकता है, क्योंकि हमारा ये फाइनल अंतिम और निर्णायक लड़ाई है और आर या पार की लड़ाई है। क्योंकि इस तरह से हमेशा मूर्ख बनाते रहेगा तो इचागढ़ विधानसभा को इसी तरह से अगर यहाँ के आदमी यहाँ का वीर शहीद हमेशा अजीत धनंजय ने कुर्बानी दिया, निर्मल महतो ने कुर्बानी दिया, उसके बाद ना जाने सुनील महतो और जितना भी इचागढ़ विधानसभा सबके लिए एक मतलब एक क्या कहेंगे मतलब कुर्बानी का स्थल है, एक बलिदान का स्थल है। लेकिन इस जमीन के साथ हमेशा मतलब उस तरह से छल किया गया है, तो उसी छल को हम लोग एक जवाब देना करारा जवाब देना चाहते हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी मतलब इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हमारा समर्थन दे रहे हैं और सभी इतना भी जन समर्थन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। आगे हम लोग को मुकाम हासिल होगा, ये हमारा विश्वास है। अच्छा, एक चीज दादा, यहाँ तो हर पार्टी का ही हम देखते हैं, इचागढ़ विधानसभा बाहर से भी आते हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जिस समय से राजा साहब हारने के बाद बाहर से ही सबको आते हैं, हम जानते हैं, जितना तक हम उतना सुने हैं, ऐसे तो देखे नहीं है, 82-83 नहीं देखे हैं, लेकिन बात क्या है, यहीं पर मुद्दा होता है। और सरकार का बात जो बोल रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों का जो विस्थापन को लूटने का काम कर रहे हैं, आप लोगों का विस्थापित से ना नौकरी दे रहे हैं, पहले जो जमाने का था वो समय पर दादा लोगों का था, पर दादा नहीं बोलेंगे दादा लोगों का था, लेकिन ये जो आंदोलन आप चला रहे हैं, इस आंदोलन को जारी रखने के लिए आप विस्थापितों के लिए लड़ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जिस समय कांग्रेस भी विधायक मतलब कांग्रेस हो, जेएमएम हो, गठबंधन सरकार जो भी हो, लेकिन क्या आप लोग अगर हेमंत सोरेन ये 2024 तक नहीं कर पाते तो क्या आप लोग सरकार को चेंज कर सकते हैं? सरकार को हम लोग अभी इसी बार 24 में ही खत्म हो जाएगा, 24 से आगे नहीं जाएगा, और ये मतलब इस तरह से हमेशा छल ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ मतलब एक समूह में समुदाय में जो लड़ा के आदमी को वोट लेना चाह रहा है
और यहाँ का आदमी को मूर्ख बना, ये सब राजनीति नहीं चलेगा। और लगभग सभी शिक्षित जयराम दा के नेतृत्व में अगर आदमी जागरूक हुआ, विस्थापित को ये आवाज उठाना शुरू किया, तो ये मुकाम तक पहुँचेगा हमारा विश्वास। दादा टाइगर जयराम महतो का जैसे आप नाम लिए हैं, तो ये जो हम लोग बीजेपी को भी देखे, कांग्रेस को भी देखे, जेएमएम को भी देखे, आजसू को भी देखे और दूसरा पार्टी को भी देखे, लेकिन आज जो जिस तरह से झारखंड में आंदोलन चल रहा है, ये तो शुरुआती टाइगर जयराम महतो का ही है, लेकिन क्या आप लोग उस तरह से देखना चाहते हैं कि 2024 में सीएम आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल जयराम महतो होगा, ठीक है। और जयराम महतो मतलब किसी जाति के लिए नहीं, किसी अपना ये स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि पूरे झारखंड के लिए उनका आवाज़ है और उन्हीं का आवाज़ से हम लोग एकजुट हुए हैं। और हर तरह का समाज, हर तरह का युवा वर्ग, हर तरह का शिक्षित वर्ग उसमें जुड़ रहे हैं, तो इसमें पूर्ण विश्वास है, हम लोग को भरोसा है कि ये मुकाम तक जाएगा। सही में दादा, आप विस्थापित जैसे बात बोल रहे हैं, कंपनी वाला आप सुने होंगे, वो तो महतो का नहीं था, किसी भी पार्टी से वो नहीं जुड़ा है, अभी वो माटी के लिए लड़ रहा है। और टाइगर जयराम महतो झारखंड के बेटा है और झारखंड के हित के बारे में लड़ रहा है। आप सुने होंगे विस्थापित ने 15 लाख रुपया मुआवजा दिया, तो वो क्या महतो था, वो क्या दास था, वो कुछ नहीं था, ये आदिवासी याष्टी था। लेकिन आप लोगों से भी बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कि पहली बार पद यात्रा निकाला है चारगिर से, झारखंड ईचागढ़ विधानसभा से, चांडिल से पहली बार ये पद यात्रा में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।